हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक पंकज गेमिंग आरएक्स चैनल। चलो भाई लोग, आज फिर से खेलेंगे फार्मर सिमुलेटर 22। और आज की इस वीडियो में भाई हम काटने जाएंगे अपना झांगड़ा साहब के घर पे। तो भाई उसके खेत है जो काफ़ी बड़े हैं, जगह हमने मैंने देखी नहीं, पर मैं भाई उस तरफ गया था गेड़ी सेड़ी मारने, तो खेत मैंने देखा नहीं कितना लंबा, पर मुझे देखने में लग रहा था कि भाई वो खेत कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं। तो अपना अर्जुन 605 अपना नहीं, मेरे दोस्त का, तो ये लगा दिया यहाँ पर। और हाँ भाई, उससे पहले बता दूं कि यार जिसने हमें भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और वहाँ पे भाई मैंने एक बहुत ज़बरदस्त पोस्ट डाली है लड़की के साथ, तो देखना जरूर भाई, स्टोरी बिल्कुल देखना है। और भाई अपना म्यूजिक चैनल है यार, ब्लॉग चैनल है, मिक्स कैटेगरी का चैनल है, वो भाई नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको भी सब्सक्राइब करो यार, उसका 1000 कंप्लीट कर पाओ भाई। तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना भाई, कोई भी आपको मतलब दिक्कत आती है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं भाई। यार मैंने देखा है यार, बहुत सारे जो लोग मुझे कॉल करते हैं भाई, मैं ड्यूटी पे होता हूँ भाई, अभी फ्री हूँ, तो मेरे को भाई छुट्टी होती है मंगलवार को छुट्टी होती है, तो आप तब कुछ भी मतलब मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, पर भाई अभी मतलब कि ड्यूटी के टाइम, अभी देखो भाई जो टाइम हुआ मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा भाई, 2:15 हुए हैं रात के, तो अभी रात के हो रहे हैं भाई, मैं 12 बजे ड्यूटी से आया था, तो मुझे 10 बजे फिर से जाना होता, तो भाई 10 बजे से फिर मुझे रेस्ट होती है 2 घंटे, फिर 6 बजे जाना होता है, तो ऐसे भाई टाइम नहीं लगता यार, सोने में टाइम निकल जाता है भाई, रेस्ट भी करनी है। और मैं मंगलवार को फ्री होता हूँ यार, आप जैसे मर्जी मैसेज करो। और भाई एकदम ऐसे धड़ाधड़ मैसेज आते हैं तो भाई मैं किसका रिप्लाई करूँ, तो जिसका भी भाई मैं देख लेता हूँ तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करता हूँ, तो ऐसी बात नहीं भाई इग्नोर करने वाली। तो आप सोच रहे होगे भाई यूट्यूबर बन गया और हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं, तो भाई आपसे यार इतना प्यार है यार किसी से नहीं है, क्योंकि आपने भाई इतने सब्सक्राइबर करवाए हैं, और ऐसे ही भाई सपोर्ट करो, लव यू है सबको। और भाई आप देख सकते हो अर्जुन यहाँ पर लगा रखा है, और तो भाई आज जानी है हमने झांगड़ा साहब की जो फसल काटने है, आपको पहले बताया था, मैंने बता दिया था पहले। और अपना निकोलन 36 भाई आ चुका है, मैं घर से लेके आया था भाई इसको, मैंने बोला अपने दोस्त को यार गाड़ी में लेके चल, दोनों गए थे भाई गाड़ी में, मैंने कहा भाई अपना घर वगैरह भी दिखा देता हूँ, तो फिर भाई दोनों आप बैठ के गए थे गाड़ी में, चला के गया था, और फिर आते वक्त वो गाड़ी ले आया और मैं ट्रैक्टर ले आया, तो देख सकते हैं भाई निकोलन, और हमने पीछे भाई डाल के रखा है इसमें प्लो, क्योंकि मैं आपको पता ही है भाई पंगे वगैरह तो करने पड़ते हैं, करने ही होते हैं यहाँ पे आगे, तो फिर प्लो डाल दिया भाई, अब देखते हैं प्लो। उससे पहले भाई देख सकते हैं बिल्कुल ट्रैक्टर उठ नहीं रहा है अपना भाई, स्टीयरिंग भी पावर है एकदम, देखो अब लगाते हैं भाई हम, थोड़ा सा ऐसा करते हैं भाई टेस्ट करते हैं इसको खेत में, यहाँ पे एक खेत है, वो तेरी भाई पूरा ट्रैक्टर झूल रहा है यार, तो भाई वैसे कमाल की बात है ट्रैक्टर उठा नहीं अपना, वेट बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर का। अब देखते हैं न्यू हॉलैंड में कितनी पावर है, भाई क्लच वाला मोड ऑन कर लूं, कहाँ से ऑन होगा, अरे यार एक मिनट भाई इसका, अब हुआ है बंद यार, भाई उठता नहीं ट्रैक्टर, चौथा हाई लगा के देखते हैं भाई, भा ट्रैक्टर का मतलब कि भाग रहा है उठ नहीं रहा है, पिकअप मतलब कि कम लग रही है मुझे, नहीं नहीं उठ नहीं रहा भाई, अब नहीं उठ रहा है, वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है भाई ट्रैक्टर का, तो हम पहले हाई में देखते हैं भाई करके, और भाई ट्रैक्टर दब रहा है पहले हाई में, तो थोड़ा सा भाई हमने गेड़ा पहले भी लगा रखा था, पहला हाई लगा के देखते हैं, नहीं मीडियम के आराम कर रहा भाई आराम से, मीडियम के दूसरे में तीसरे में, और ये रेस छोड़ रहा है भाई ट्रैक्टर, कोई नहीं भाई हम बस ऐसे टेस्ट कर रहे थे, सही काम कर रहा है ट्रैक्टर की, ज़्यादा भाई हम मत नहीं मारेंगे ट्रैक्टर की, हेल्पर नहीं लगाना भाई हमने, अगले टायर देखो भाई कितनी जगह, वो चलते हैं भाई हम यार अपना यार काम भूल गए हो तेरी, तो न्यूजीलैंड के पीछे अपनी ट्रॉली भी भाई मैं लेके आ चुका हूँ, ट्रॉली भी अपने घर से लेके आया था भाई मैं, क्योंकि वहाँ पे सीजन है जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया भाई बंदे ने, तो ज़्यादा खेत नहीं थे भाई वहाँ पे, तो मशीनें वगैरह भाई ऐसे ही खड़ी हैं घर पे, इसको बंद कर लेते हैं और मशीन लेके चलते हैं भाई खेत में, कटर की हमें जरूरत नहीं, सॉरी ट्रेलर की जरूरत नहीं है, और ट्रेलर की हमें जरूरत नहीं है भाई, वहाँ पर रास्ता जो सही है, पर फिर भी यार मैं एक बार गया था मुझे लग रहा था भाई जरूरत है, चलो कोई नहीं देखेंगे भाई, ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो इसको यहाँ भी खोल देते हैं,
अरे तेरी की भाई, खोलने गया था, खुल क्या जा रहा है। ओके खुल गया भाई ट्रेजर। आज चलते हैं भाई भाग भाग के, बिकन सिकन ऑन कर लें भाई, रोड पे जाना है। और कुछ लोग बोल रहे थे भाई 4x4 कराओ यार हरा बस्टर को। भाई 4x4 करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं आई है। जैसे आप देख सकते हैं जितने भी हमने खेत काटे हैं भाई, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई कि 4x4 करें। अगर मानते हैं हाँ भाई फंस रहे हैं यार, कुछ हो रहा है, मशीन को कीचड़ में फंस रही है, तो फिर बनता है कि हाँ 4x4 करें। ऐसा कोई खेत ही नहीं है भाई जहाँ पे ये अटक जा रही है। अभी मतलब सभी खेत में आराम से काम कर रही है मशीन, तो 4x4 का फिर यार भाई खर्चा ही है यार, और तो कुछ नहीं है। कोई नहीं, पर करेंगे भाई। अगर हमें ऐसा लगा कि हाँ यार यहाँ पे जरूरत है भाई 4x4 मशीन की, तो भाई इसकी भी ऑप्शन रखेंगे भाई इसमें हम। तो आप कमेंट में आप बताना यार, मैं आपसे मतलब कि आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैं अपनी मर्जी नहीं करता हूँ, जैसी आप लोगों की मर्जी होती है भाई उस हिसाब से। तो बताना भाई कमेंट में भाई कौन से लगाने लग गए। चलो भाई 11:55 हो गए भाई, 12 बजने वाले हैं। तो भाई अरे तेरे की भाई, यहाँ से मुझे डर ही लगता है कि वो तारे सारे यहाँ पे नंगी हैं भाई। तो एक तो खेत ये है, एक सामने है। तो भाई हम पहले छोटा खेत काटेंगे, तो नहीं ये एक आगे वाला है भाई, आगे वाला है। तो रास्ता भाई किसी के घर में से ये यार, तो सामने से रास्ता है भाई, वहाँ से चलते हैं यार। कौन से गाने लगा दिए, गाने बंद ही रखते हैं। तो यहाँ से रास्ता है कि मैंने देखा था, इंडिकेटर दे लें भाई, क्योंकि चलो इंडिकेटर क्या देना भाई, रोड तो है नहीं है गाँव में, कौन इंडिकेटर देता। पर भाई अपनी आदतें हैं यार, आपको पता ही है, रोड छोटा हो या बड़ा हो, पर भाई इंडिकेटर ये क्या हो गया। नहीं नहीं भाई टायर बैठा, मैंने सोचा कि हो गया कांड, तुरती नहीं भाई मशीन। आगे तो भाई बिल्कुल बेड़ा करके हुआ है रास्ते का यार। भाई यहां से नहीं गुजरेगी मशीन, देख सकते हैं आपके क्या पेड़ वगैरह जो रास्ते में गिरे हुए हैं, और इधर इधर भाई डाल नहीं सकते, किसी की फसल खराब होगी। नहीं यार भाई मशीन नहीं निकलेगी यहाँ से, आप देख सकते हैं क्या मतलब सत्यानाश हुआ यहाँ पे, रिवर्स ही करनी पड़ेगी। बच्चे से निकालते हैं बंदे के, तो यहाँ से मेरे ख्याल से हाँ भाई यहाँ से टर्न लेते हैं मशीन की। खेत में से निकलते हैं भाई, खेत में भी यार ऐसा लग रहा कि गीला बनना है बंदे के खेत में। भाई मशीन दब रही है यार, देख सकते हैं यार गियर है जो बड़ा लगाया है मशीन, भाई चल नहीं रही। अब देखो अब पकड़ा रहे, अब देखो भाई बड़ा गियर लगाता हूँ, ये देखो। चलो कोई नहीं, पावरफुल मशीन है भाई, पिछले टायर अच्छे से काम कर रहे हैं यार, जरूरत नहीं 4x4 करने की भाई। ऐसे 4-5 लाख का और खर्चा आ जाएगा 4x4 पे। मैं जितनी भी मशीन है भाई, मैंने 4x4 नहीं रखी है, सभी 2x2 है भाई। इसका हम स्टार्ट यहाँ से करें, कर दी हमने मशीन स्टार्ट। और इसका भाई उगर, और भाई सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है मशीन का। चलते हैं अब, गियर बड़ा है भाई, भाई का मीडियम का फेले में चलते हैं। तो ये है भाई बंदे की फसल, छोटा सा खेत है, एक उस तरफ है एक इस तरफ, थोड़े खेत है भाई उल्टे हिसाब के यार। तो मैं काट भी किस तरीके से रहा हूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रही है।
भाई देखो यार, अब इतनी साउंड है कि भाई मेरे स्पीकर भी मतलब कि साउंड नहीं दे रहे हैं। मशीन की इतनी साउंड है भाई, सुन नहीं रहा कुछ। एक मिनट भाई, मैं ऐसा करता हूँ साउंड थोड़ी बढ़ा लेता हूँ गानों की। वैसे यार भाई ये आपके लिए चला रहा हूँ गाने, वैसे अलाउड नहीं है यूट्यूब पे गाने, ऐसा नहीं यार। आप बोलते गाने से भाई, आप इंटरनेट पे सर्च कर लेना यूट्यूब पे, क्यों नहीं आप सॉन्ग लगा सकते हैं कोई दूसरे बंदे का। चलो फिर भी आपकी यार ख्वाहिश है भाई, जो होगा देखा जाएगा यार आपके लिए गाने। यार क्या जान भी हाजिर है यार। भाई फुल्ला वाली रजाई जो गाना लगा के, मतलब यही है ना मेरे ख्याल से। भाई ड्राइवर साहब अब ऐसा ही हो गया भाई, मौज और ड्राइवर जैसा ही। अब ऐसा लगता नहीं कि भाई अमीर आदमी है, लगता है कि भाई बस किसी गरीब घर के ही हूँ, ड्राइवर हूँ। हालांकि मशीनें भाई अपने पास हैं, ट्रैक्टर अपने पास है, घर है अपने पास, हवेली है भाई, सब कुछ खेत है। पर मशीन पे चलाने से ऐसा लगता है कि भाई ड्राइवर तो ड्राइवर है ना यार, आपको पता चलिए। और भाई मैं ज़्यादा ड्राइवर पे भरोसा नहीं करता हूँ यार, मशीन की भाई ऐसी तैसी कर देते हैं यार। भाई कोई ड्राइवर होगा तो भाई मेरी बात का गुस्सा मत करना यार, सभी ऐसे नहीं होते भाई, कोई कोई होता है, सभी एक जैसे नहीं होते। अब देखो मेरी मशीन है भाई, मुझे पता है किस हिसाब से चलानी है। आप देख सकते हैं अगर कोई दूसरा ड्राइवर होता तो भाई वो वहाँ से घुसा देता है मशीन, जहाँ से निकलनी थी। अब मेरे को पता है भाई मशीन का नुकसान होगा तो भाई मैं घुमा के ले आया हूँ मशीन आपके सामने ही भाई, बिल्कुल प्यार से भाई, मतलब कि घर का मेंबर समझ के भाई चला रहा हूँ मशीन को यार। इसने भाई किस भाई चला लगा है उसको पता है यार। तो भाई 50 लाख में तो दो मशीनें आई हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाओ। 50-45 में पड़ गई स्वराज की भी, वो तो थोड़ी महंगी पड़ी है भाई स्वराज की यार, वो 22.5 लाख के ऊपर ही पड़ी है यार। अब पता नहीं भाई डिफरेंस क्या है, मुझे तो कुछ आज तक समझ नहीं आया। सब एक ही जैसे भाई इंजन है, एक ही जैसा, मतलब कि अब लुक भाई चेंज है बस कंबाइनों के, बाकी तो स्वराज की आपको पता है फिर भाई क्वालिटी है यार। करतार की तो भाई अब ट्रैक्टर भी आना स्टार्ट हो गया, स्वराज के तो भाई ट्रैक्टर भी बहुत पुराने आ रहे हैं, तो भाई क्वालिटी फिर आपको पता ही है भाई। एक बैग ही गेड़ा लगा देते हैं क्यों भाई, हमने ऐसा करना है यार। एक तो भाई इसका गियर लगाओ हाई यार, भाई मशीन ही नहीं चलती यार पीछे नूं। और मेरे कुछ भाई बोल रहे थे भाई डेली वीडियो बनाया करो यार। भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ यार मैं वीडियो बनाने की भाई, कि हर रोज आपको वीडियो मिले। मैं भाई ऐसा नहीं कोई नीति नहीं यार, आज नहीं बनाएंगे छोटो बोल, तो ऐसी कोई बात नहीं भाई, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ आपके लिए यार। अब कहाँ से मशीन जाऊँ, यहाँ से चलें? अरे यार इसका उगर भी भाई मुझे याद भूल जाती है कि वो भी लगा हुआ है। चलो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। और यार इसने बंदे ने भाई क्या किया है मुझे समझ नहीं यार, ये पेड़ लगा रखा है यार। पेड़ थोड़ा ऊपर आए भाई, ये खेत खत्म कर दिया पर बिल्कुल भी भाई, मैंने लगा दिया हेल्पर। अब मैं जो भाई, अरे यार न्यूजीलैंड भी लेके आना है, तो भाई मैं पैसे, वो मेरा ड्राइवर ही समझ लो भाई, ऑनलाइन ड्राइवर बुक हो जाता है जहाँ पे जरूरत होगी। पर मैं ज़्यादा देर भाई ड्राइवर को नहीं देता हूँ, तो उतनी देर में भाई मैं ओ तेरी भाई होगी ना खड़ी ट्रॉली, आगे है भाई नीला ट्रैक्टर, नीले कलर की ट्रॉली, ब्लू कलर। और बूफर की पेटी देखो भाई कितनी ज़बरदस्त लगाई हमने। और भाई ये मैंने मोड़, खुद मोड़ बनाया यार बूफर का, कमेंट में बताना भाई कैसे लगा बूफर। भाई इसके चार ट्यूनर लगे, चार आठ ट्यूनर है, दो सब बूफर है भाई किक्कर वाले, किक्कर के। अब देखो भाई नहीं वो लड़की में नहरी कैसे लगाऊँ इसके। भाई देखो दोनों सिलेंसर में धुआं निकलता है यार, V8 इंजन लगा रखा है भाई इसमें, ऐसे V8 नहीं भाई, V8 वाला सिलेंसर लगा है। स्टीयरिंग देखो भाई न्यू कैटेगरी का। ओ देखो भाई ड्राइवर, तो इसने यहाँ पे गेड़ा लगा दिया है। मैं ऐसा करता हूँ ट्रैक्टर को भाई पाइप नहीं खोलने लग पड़ा,
छांव में लगाते हैं, ऐसा करते हैं भाई, अपनी चीज है यार। इसका मुंह रुक गया भाई, इसकी ब्रेकिंग सरकें भी देखनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल फर्क रहेगा था अंग्रेज। ए भाई इंडिकेटर सब जला दिए ड्राइवर ने यार, बताओ कि भाई रोड पे पार्किंग में लगाई है मशीन गैस, देखो बंदा भी यार कमाल है। और भाई चला रहा था कछुए की चाल चला रहा है मशीन भी। चलो अपना यार काम नहीं भाई, रुकना चाहिए यार बस ये, बाकी यार ड्राइवर अच्छा मिल जाए तो भाई हम ड्राइवर भी रखते हैं। मैं सोच रहा हूँ भाई कोई दूसरी एक और कंपाइन बाय करें, क्योंकि एक से काम नहीं चल रहा यार, एक अपने भाई गांव में ही है, अगर मैं उसको बुला लूँ वो भी। और कमेंट में बताना यार एक बार, जैसे आपसे पूछा था कि भाई कौन सा ट्रैक्टर, तो न्यूलैंड भाई जैसे बोल रहे थे स्वराज ले गया ना भाई, स्वराज ट्रैक्टर है जो उसका भाई थोड़ा सा काम करवाने वाला था, उस वजह से भाई मैं लेके नहीं आ पाया उसको, तो सॉरी उसके लिए। न्यूलैंड भी सही है यार ट्रैक्टर, मैं इतना भाई वो नहीं है, स्वराज का थोड़ा सा काम चल रहा है। तेरी भाई क्या हो गया, टायर में टायर ठोक दिया मशीन के, मशीन एकदम रुक गई भाई, और ट्रैक्टर का भाई इतना वेट ना अपनी जगह से हिलाने। तो आपसे मैं क्या बोल रहा था, हाँ भाई तो मुझे कमेंट में ये बताना कि भाई मैं न्यू मशीन बाय करूँ तो कौन सी करूँ। अपने पास जो भाई मार्केट है जो मशीन की है, प्रीत 987 है भाई, हिंद है, विशाल है, और कौन सी है यार वो मेरे ख्याल से नहीं है भाई, ये मार्केट है। अब तीनों में से बता देना कौन सी कंबाइन बाय करें। और एक और बात कि भाई हमें बाई नहीं करनी, तो मेरे घर पे खड़ी है स्वराज 8100 की, भाई मैं बोल यहाँ पे लेके आऊँ दो दो कंपाइने लगाऊँ, तो कमेंट में ये बताना भाई आपने कि भाई न्यू कंपाइन बाई करूँ या फिर अपना घर पे जो स्वराज 8100 खड़ी है भाई उसको मैं लेके आऊँ यहाँ पे। जितने भाई ज़्यादा कमेंट होंगे, जितना मतलब ज़्यादा होगा तो भाई उस हिसाब से कर लेंगे। भाई मुझे वैसे साइड से गेड़े लगाने थे भाई, देखो अब इसलिए यार मैं ड्राइवर को भाई मशीन नहीं देता हूँ। आप देखो भाई सामने यार एक साइड का छोड़ गया, चलो इंडिकेटर तो बंद करें भाई। भाई मैं तो यार हराम हूँ यार करतार की कंपनी लेके, भाई आज पूरा जो 15 से 20 दिन होने वाले हैं भाई मशीन नहीं ले गया है, अभी तक एक बेल्ट तक नहीं टूटी भाई कंपनी मशीन की, एक बेल्ट भी नहीं टूटी भाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है यार कंपनी की। तो पहले मैंने प्रीत ली थी भाई, आपको पता ही है FSN 19 में भाई उसका मतलब कि बेल्ट ही टूट गई भाई, आपने देखा ही होगा, अगर वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना भाई, उसकी भी बहुत खिंचाई की मैंने कंपनी की, बाद में जाके भेज दी मैंने वो कंपनी। अभी सोच रहा हूँ भाई फिर से बाय करने की कंपनी यार, को फिर आपको पता ही है भाई अच्छी हर एक कंपनी की अच्छी होती है, पर भाई किस्मत की बात है ना यार। तो ये देखो भाई इसकी किस्मत, मेरी किस्मत इतनी अच्छी है भाई, कंपनी में कोई नुकसान ही नहीं हुआ अभी तक भाई, नुकसान नहीं हुआ कहीं, नुकसान ही ना हो जाए वो। ज़बरदस्त है भाई करतार की कंपनी यार, सही है, अपना भाई दिल जीत लिया यार, अपने पैसे भाई एक सीजन के यार एक अपने 21 लाख लगाए, 21-22 लाख लगाया, तो मेरे ख्याल से भाई 500 किला हमें काटना पड़ेगा भाई उसका, मतलब पैसे भी पूरे करने में भाई, कहाँ कहाँ से उठाई है मुझे पता है पैसे। चलो कोई नहीं यार हो जाएंगे पूरे, और भाई अब यार मैं सोच रहा हूँ भाई कंपाइन पे ऐसी कोई जगह ही नहीं है, अगर किसी की नज़र लगी तो भाई खराबी हो सकती है, तो जुत्ती वगैरह लटकाएंगे भाई या नींबू वगैरह लटकाएंगे। चलो कोई नहीं देखेंगे भाई, अब साउंड कुछ ज़्यादा लग रही है, चलो कोई नहीं भाई लगाएंगे यार नींबू वगैरह, इतना टाइमिंग लग रहा है भाई यार क्या करें यार, अब बंदा अकेला भाई, हेल्पर मशीन पे भी भाई दो बंदे चाहिए होते यार, दो बंदे चाहिए, एक भाई ड्राइवर, एक फोरमैन, एक हेल्पर, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ भाई दो बंदे तो चाहिए होते हैं मशीन पे, हेल्पर फोरमैन तो मैं भाई मैं खुद बहुत हूँ, फोरमैन भाई मशीन का भाई स्टीयरिंग तो हर कोई घुमा लेते हैं, पर भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो बात है कि अगर मशीन भाई खेत में खड़ी हो जाए फिर बंदे को नॉलेज ना हो भाई मशीन के बारे में, तो फिर स्टीयरिंग भाई क्या करेगा बताओ, स्टीयरिंग तो भाई कोई बच्चा भी घुमा लेगा यार, मशीन को कुछ चलाने की इतनी बड़ी बात नहीं है भाई, ये सबसे बड़ा भाई इसकी रिपेयरिंग सबसे बड़ी मुश्किल भाई जो।
रिपेयर आनी चाहिए भाई मशीन की, बाकी तो नहीं। अगर रिपेयर आती है, मशीन भी आती है भाई, फिर तो यार सही है। अब मैं भी भाई इतना मतलब कि जोर नहीं बोलूँगा भाई, मैं फोर मैन तो इतना नहीं हूँ, पर थोड़ी बहुत कमी भाई मैं बेल्ट सल्ट थोड़ा बहुत इंजन का काम कर लेता हूँ। अगर भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम आ जाए मशीन में तो भाई मेरे हाथ भी खड़े हैं, आपने देखा होगा स्वराज 81 तो कोई भाई गियर में प्रॉब्लम आ गई थी, तो ट्राई किया था मैंने, नहीं भाई मेरे से ठीक हुई। फिर बाद में मुझे भाई वो वहाँ पे लेके जानी पड़ी, सात आठ दिन भाई रखनी पड़ी वहाँ पे, उसका गियर सिस्टम चेंज करना पड़ा पूरा। तो मैं नहीं यार बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे बेल्ट साइड टूटेगी भाई, ऐसा थोड़ा बहुत होगा तो मैं कर लूँगा रिपेयर। क्लच प्लेट का भी मुझे आता है भाई रिपेयर करने, क्योंकि जब से भाई मशीनों का काम स्टार्ट हुआ था भाई अब नॉलेज होगी, और क्लच प्लेट सेम होती है यार कंपनी की, एक ही जगह पे होती है, तो कोई नहीं आया भाई। टंकी जो फुल हो गई है जो मशीन की, तो क्या मैं क्या करूँ मैं मशीन को भाई लेके चलता हूँ, ऐसे करता हूँ यार, ट्रैक्टर कौन लेके आएगा बताओ। चलो कोई नहीं भाई, गियर लगाऊँ बड़ा यार मैं। चल भाई, माला जो ऊपर से देखो कितना है, चलो कोई नहीं यार। अब भाई मशीन खेत में बिल्कुल ही भाई जवाब दे जा रही है यार बिल्कुल। ये डलने लगा भाई माल ट्रॉली में, और भाई बिल्कुल ट्रैक्टर ठोक के लगा रखा हमने, देख सकते हैं भाई एकदम खुंजे में बोल सकते हैं, खुंजे में लगा रखा है भाई। चलो रेस दे के रखते हैं ताकि जल्दी भाई उतर जाए माल। भाई शीशे में देख सकते हैं पूरा व्यू दिखता है पीछे का, सेट करके रखे हैं ऊपर, रह गया यार शीशा लगाना भाई, देखूंगा किसी घर में पड़ा होगा। ये कंपनी का बहुत बड़ा भाई डिस्काउंट है यार, यहाँ पे शीशा देना चाहिए भाई। टंकी वगैरह में नज़र पड़ देती है, मुंडी कमा हुआ भाई कौन देखेगा बार बार पीछे, पर मुंडी भी इतनी ऊपर भाई मुझे खड़े होकर देखना पड़ता है। चलो कोई नहीं भाई, हम खुद बोर्ड में कहेंगे। देखो भाई बड़ी मशीन को छोटे ट्रैक्टर के पैसा नहीं जा आना पा रहा है, देखो भाई। अगर आप भी यार फार्मिंग सिमुलेटर 19 खेलते हो या कोई, तो भाई सफल बंदा तब होता है यार, ये नहीं देखो कि भाई मुझे मज़ा आ रहा है और दूसरों को मज़ा नहीं आ रहा है, तो भाई ऐसा मत देखो। आप ऐसा सोचो कि भाई मुझे भी मज़ा आए खेलने में और देखने वालों को भी भाई मज़ा आए। अब मैं ऐसी भाई कह पाते बताऊँ यार जो यूट्यूबर गलती कर देते हैं, अगर आप इंडियन स्टाइल में खेलना चाहते हो तो भाई पूरी बिल्कुल इंडियन स्टाइल में खेलो। अगर आप बीच में भाई, अब मेरे से भी गलती हो जाती है भाई बीच में, मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है भाई, मैं छोड़ना पड़ता हूँ, मेरा दिल नहीं करता। अब देखो मैं पूरा इंडियन स्टाइल में खेल रहा हूँ भाई, अपने जो इंडियन लोग है कैसे उनकी लाइफ में भाई कैसे कैसे मतलब कि चलता है, वो उस हिसाब से अगर खेलोगे तो भाई बिल्कुल मतलब कि आप बोर नहीं होगा, देखने वाला भी बोर नहीं होगा, और आप जो खेल रहे हो भाई आपको मज़ा आएगा और दूसरे देखेंगे उनको मज़ा आएगा, आपके चैनल को सपोर्ट करेंगे। अगर भाई आप देखो, अब देखो मैं ये फसल काट रहा हूँ भाई, देखो मैं नॉर्मल स्पीड में काट रहा हूँ जो मशीन आराम से काटती है मीडियम के दूसरे में तीसरे में, तो लोग क्या करते हैं भाई, मैं सदीप नाम तो नहीं लूँगा, पर मैं सीरियस बात कर रहा हूँ भाई, अगर आपने यूट्यूब पे सफल होना है उसी स्पीड में काटो जो नॉर्मल कंपाइन काटते हैं। अब भगाने भाई भगाने तो मशीन भगा देंगे, तो भगाने को पहले हाई मेल भगाएंगे भाई पूरी रफ्तार में मशीन धड़ाधड़ जो खेत काट रही है, फिर उससे ऐसे मज़ा नहीं आएगा भाई। तो मैं उसी हिसाब से खेल रहा हूँ भाई, देखो इतनी आराम से जो मशीन चलती है खेत में उसी हिसाब से, और मुझे पेड़ वगैरह भी देखने पड़ते हैं, कटर भी देखना पड़ता है कहीं भाई ठुक ना जाए। अब देखो कि ये ऐसे करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ और आपके लिए बता रहा हूँ, पर मैं ऐसे नहीं करूँगा, अब देखना आप अब ऐसा करोगे भाई, अब ऐसा लोगे मशीन और ऐसे भाई ठोक दोगे यहाँ पे आके, ओ यार ठुक गए मुझसे, अब ऐसे करोगे फिर ऐसे करो फिर ठोक दोगे, अरे ठुक गई भाई, ऐसे रियलिटी क्या रहेगी फिर, मशीन अगर ठुक गई तो टूटेगी ना। अब मेरे से भाई समझ लो कि मैंने मोड़ नहीं है,
तो अब हाँ भाई अब नहीं यार मुड़ेगी नहीं, अब ऐसे देखो नहीं मुड़ेगी नहीं भाई, रिवर्स करनी पड़ेगी, रिवर्स करके फिर लेके जाओ भाई, नहीं मुड़ेगी फिर रिवर्स करो, फिर उतर के देखो भाई, हाँ यार निकल जाएगी। अब भाई आ रहा है बंदा सीधे ठोक दे रहा है भाई, बीच में ना देख रहा है, फिर वो आपको भाई अब पता ही यार, फिर मज़ा ही नहीं आता उस गेम का। अब मुझे भी खेलने में मज़ा आ रहा है, अगर भाई मैं सीधा जाके खंबे में मार दूँ यार, यार मूड ही नहीं है कंबाइन, फिर बैक आऊँगा फिर मार दूँगा खंबे में, तो फिर भाई अगर रियल में बंदा खंबे में मारे तो भाई क्या असर होगा कंबाइन, आपको पता ही है। तो मैं उस हिसाब से बिल्कुल नहीं खेलता हूँ कि भाई हाँ खंबा आ गया ठोक दी खंबे में, आँखें बंद करके भाई चला रहा हूँ, कोई अंधाधुंध भाई ऐसे जैसे पता नहीं भाई मेरे पास लैम्बोर्गिनी ऐसे भगा रहा हूँ, तो ऐसी भाई गलती मत किया करो यार, पूरा मतलब रियल में खेलो। मैं भी यूट्यूबर हूँ भाई, मैं भी आपकी वीडियो देखता हूँ, सभी की देखता हूँ भाई, लाइक वगैरह सबका सबको करता हूँ, तो मैंने देखा है मिस्टेक करते हैं लोग, पर भाई ऐसा मत करो। अब करतार का कटर है, ये करतार का कटर है, अब यहाँ पे बहुत सारे कटर हैं, इंडिया में तो भाई मौजूद नहीं है ऐसे कटर कि आप ये न्यू हॉलैंड का लग गया करतार में, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये जोंडियर का लगा लो करतार में, ये भी नहीं हो सकता। ये भाई देखो यहाँ पर मशीन है जो कम से कम भाई 1000-2000 मतलब कि 500-1000 के हॉर्स पावर की होगी, वो खींचने की कैपेसिटी रखती है। अब ये 100 हॉर्स पावर की इसके आगे लगाओगे ये खींच लेगी, और रियलिटी क्या ख़त्म होगी भाई, कंपनी वाली इतना बड़ा भी दे दे फिर भाई अगर ये खींच ले। अब ये 14 फुट का खींच सकती है भाई, 15 फुट का आराम भी खींच सकती है मशीन कटर, उसके बाद लोड देना स्टार्ट कर देगी मशीन। अब भाई बड़े बड़े कटर लगा रहे हो यार, इसका ओरिजिनल नहीं है, ट्रेलर किसी और है, तो भाई ऐसे बिल्कुल भी जो है आप खुद बताना यार, ऐसे मज़ा आता है बताना। मैंने भाई अपनी दिल की बात बता दी, जो यूट्यूबर वगैरह हैं अगर गेम प्ले बना रहे हैं तो भाई अच्छे से बनाओ, रियल बनाओ, इंडियन मोड बनाओ, चैलेंज बनाओ, स्टोरी रखो एक यार ज़बरदस्त वाली। मैं ये नहीं भाई बोलूँगा कि मैं ही सबसे अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई। अब ये पेड़ आ गया देख लो, अब मैंने मशीन रोक दी, हाँ भाई मुझे रियल में पता है, अब रियल में आपने देखा अगर पेड़ सामने आता तो ड्राइवर रोकता है कि भाई मेरी छतरी वगैरह ना टूट जाए, कोई डाला वगैरह हो तो वो आराम से निकलता है भाई, देखता है कब तक मतलब कि सही है। यहाँ पे पत्थर वगैरह का भी ध्यान नहीं पता लगेगा भाई, ऊपर से उतर के मशीन देख लो, जगह है, पत्थर वगैरह नहीं है, सही है। अब ऐसे सीधा भाई जाके ठोक देगा, ये ऐसे सीधा ठोक देगा बस, उसको कैसे पता भाई है सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं भाई ये नहीं चाहता हूँ यार कि कोई यूट्यूबर ना बने, भाई सब यूट्यूबर बने, पर ये है कि थोड़ा सा आप देख के चलो यार, थोड़ा सा रियलिटी रखो गेम में। अब देखो यहाँ से भाई मुझे छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ से पेड़ वगैरह टच होगा मेरी मशीन से, नहीं तो भाई अगर आप इंडियन मोड चैलेंज खेल रहे हो तो ये बातों का बिल्कुल ब्याज ध्यान रखो कि अब देखो मुझे पीछे से भाई मशीन घुमानी है तो इसका टायर पत्थर पे ना चढ़ जाए, ये भी देखना पड़ेगा। तो मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ भाई, ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ही वीडियो अच्छी बना सकता हूँ, पर भाई मैं वो खेलता हूँ कि आप लोगों को यार मज़ा आए बस, और कुछ नहीं यार। अब गाने साने भी भाई मैं वो ही सुनता हूँ जो ड्राइवर आप बोलते हैं पंजाबी गाने लगाओ भाई, पर जो ड्राइवर ड्राइवर होते हैं भाई पंजाबी गाने भी सुन लेते हैं, पर ज़्यादातर भाई जो ये ड्राइवर वाले गाने चलते हैं तो उसी हिसाब से चला रहा हूँ। अब देखो भाई मैं लिफ्ट वगैरह भी ऐसे उठाता हूँ जैसे कि बाद में जो ड्राइवर उठाते हैं रिवर्स करते वक्त, सब कुछ मतलब कि इंडियन स्टाइल में भाई। अब मैं इसके इतना मशीन के साथ रहा ही नहीं हूँ भाई, अगर मुझे पता होता भाई थोड़ा सा मशीन के बारे में थोड़ा और, तो भाई मैं उस हिसाब से और भी अच्छे से खेलता। अब ये देखो भाई यहाँ से थोड़ा सा मुझे ध्यान से काटनी पड़ेगी, पेड़ जो भाई मेरे गर्दन पे आके अटक गया है, आँख की भाई आँख बाहर ना आ जाए। चल 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 भाई, और तो नहीं पेड़ वैसे यार, ये कहाँ से आ गया भाई। कितने मिनट की वीडियो होगी, 29 मिनट की होगी, कोई चक्कर नहीं, 29-20 मिनट। चल 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 भाई, पेड़ है जो अभी देखना स्टार्ट हो गया। अब देखो कटर जो टच होने वाला है, पर भाई मैं टच नहीं होगा, मैं रिवर्स कर लूँगा कंबाइन को, और जो कोना छोड़ता भाई छोड़ने देंगे, वहाँ से नहीं होगा। आप इंडियन मोड खेलो भाई कंबाइन या चाहे ट्रैक्टर पर, ये यार बातों का ध्यान रखो भाई, आप जरूर एक दिन यूट्यूबर बनोगे बड़े यार,
बंदा यार उसी चीज को देखता है भाई जिसमें मजा आया, आपको पता ही यार। अब देखो भाई मैं थोड़ी देर इसका थ्रेशर वगैरह ऑन कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है, देखो अंदर से खाली नहीं हुई मशीन, अब खाली हुई, अब जाके बंद करूँगा मैं इसको, ठीक है। और इसका मैं गियर लगा दूंगा हाई, मशीन को ले जाऊंगा वहाँ पे। अब कुछ ऐसे करेंगे भाई, लेके जाएंगे, ख़त्म हुआ मशीन को तुरंत बंद कर देंगे। तुरंत भाई कौन बंद करता है, वो तो थोड़ा सा भाई अंदर माल रहता है, वो भी ख़त्म करके भाई जाके जब तक पीछे से भाई भूसा ना निकल जाए तब तक मशीन का थ्रेशर होने रखते हैं। अब ऐसे करके भाई डाल देते हैं और बंदा रेस भी दे दे तो ऐसी कोई बात नहीं। अब मैं भाई पहला हाई लगाता हूँ और अपने घर के तरफ से निकलते हैं भाई। अब इसका उग्र बंदर लें, फिर ट्रैक्टर लेके चलते हैं मंडी, झांगड़ा साहब का जो भाई नंबर पूरा हो गया। अब मैं घर की तरफ जाऊंगा भाई, बिल्कुल आराम से जाऊंगा, जैसे कोई बंदा मशीन अपनी भाई लेके चलता है, ये नहीं कि भाई आंख बंद करके थोड़ा भगा रहा है बस। अब यहाँ से देखना पड़ता है भाई, गेट छोटा लगा लिया, चढ़ाई वगैरह आया थोड़ी सी, ठीक है भाई। अब देखो मशीन रोड पे आ चुकी है, गियर में थोड़ा सा बड़ा लगा लूँगा। अब थोड़ा सा मुझे ध्यान से भाई निकालनी पड़ेगी मशीन से वगैरह। मैं पूरी कोशिश करता हूँ भाई यार कि मतलब कि थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में खेलूँ। अब यहाँ से देखो भाई, तेरी तेरी तेरी, कल आपने देखा होगा भाई कैसे मैं निकाल रहा था मशीन, भगाने को तो भाई भगा सकता, फिर टच होगी कहीं तो फिर बोलेगा भाई अंधे अंधाधुंध दुड़ा रहा है मशीन, फिर मज़ा नहीं आता यार। अब यहाँ से देखो, अब मुझे लग रहा है कि भाई हाँ मेरी ड्राइवरी सही है, यहाँ से मैं निकाल लूँगा तो मैं दे दूँगा रेस यहाँ से मशीन को। अब यहाँ से भी मैं निकाल लूँगा क्योंकि अपनी ड्राइवरी ट्रेंड है यहाँ से। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मशीन का गियर डाउन को कर लेंगे और यहाँ से भी भाई एक बार मुंडी घुमा लेंगे। टाइम काफ़ी हो चुका है भाई, जैसे कोई भगाते हैं मशीन वैसे भगाएंगे भाई अब, और थोड़ा सा स्टंट भी करेंगे, वैसे करते ही हैं स्टंट तो। ले भाई पूरी परफेक्ट लगी है, कंट्रोल से बाहर नहीं हुई मशीन, ये बात है। लो भाई मशीन कर दी बंद, अब ट्रैक्टर की तरफ चलते हैं। कहाँ के अपना ट्रैक्टर, ये रहा भाई खेत में, 45% माल भरा है तो भाई मंडी में डाल आते हैं ट्रैक्टर को। अब देखो भाई एक और जो गलती करते हैं यार जो इंडियन मोड चैनल खेलते हो भाई, अब देखो किसी का घर का वो है, ये देख लो, देख सकते हैं भाई किसी का खेत है, यहाँ से घुसा देंगे। अरे यार भाई घुस गए यहाँ पे, तो ऐसा मत करो यार। हाँ भाई ये यार ऐसा टायर जा रहा जाए इसका बंदे के खेत में, कोई चक्कर नहीं भाई, बीच में से निकाल के ले जाओगे तो फिर बंदा गाली देगा ना। ऐसे भी रियल लाइफ में भाई किसी का पीठ लगी है उसमें से भाई ट्रैक्टर निकाल दो, रास्ता होगा, ट्रैक्टर आप जानबूझ के भाई बीच से निकाल रहे हो तो बंदा भाई गाली देगा कि नहीं देगा, फिर उस हिसाब से गेम में भी रखना पड़ता ना यार। तो भाई जो भी यूट्यूबर है मेरे बात ध्यान बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, अब फिर ट्राई करना भाई गेम प्ले आपकी, देखना व्यूज़ कैसे आते हैं। मैं भाई आपसे कोई यार दुश्मनी नहीं हूँ, मैं किसी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, पर हाँ भाई आपका मतलब चैनल अच्छे से ग्रो हो जाएगा। सही है, अब ट्रॉली को यहाँ से लो भाई, माल जो गिरना स्टार्ट हो चुका है। ओ तेरी तेरी भाई बाहर गिर गया,
इसके पैसे भरने पड़ेंगे भाई। अब जो माल बाहर गिरा है तो लो भाई, जो खाली हो चुकी है ट्रॉली, तो ट्रैक्टर भी अपना हल्का हो गया। भाई हिरन सीरन यहाँ पे आए हैं, और तेरी भाई नीचे ना जाना यार कहीं, पहला दिन है इस विलेज में भाई अपना। अब देखो न्यू लैंड को पता ही है भाई कि चौथे गियर में इतनी स्पीड है कंट्रोल हो जाएगा, पेड़ वगैरह टच नहीं होंगे इससे क्योंकि इसकी आईडी छोटी है। आप देख सकते हैं ये देखो आ गए घर पे। तो भाई तूड़ी वाला भी बोल रहे थे यार आप सीजन स्टार्ट करो भाई, तूड़ी वाला भी सीजन स्टार्ट करेंगे, अपना ट्रैक्टर अपना ट्रॉली है तो तूड़ी वाला भी सीजन स्टार्ट करेंगे भाई अपना जब ये खत्म हो जाएगा। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और भाई शाम हो चुकी है और अपना दूसरा टाइम हो रहा है भाई एक एक टकाने का, तो अब भाई उस तरफ चलेंगे ठेके की तरफ, वहाँ से भाई लाल किला की बोतल लेके आएंगे और रात में मुर्गे के साथ फिर पाड़ेंगे भाई खाएंगे। तो पता ही है फिर ड्राइवर की लाइफ ऐसी होती है। तो मिलते हैं भाई फिर कल नई वीडियो लेके, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।